नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं व्याकरण का एक ओवरव्यू संज्ञा जो हमने पिछली कक्षा में भी देखा है। देखिए संज्ञा की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है। देखिए संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, कौन सा भी व्यक्ति, उसमें कौन सा भी व्यक्ति हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, कौन सा भी व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम ना? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु कौन सी भी वस्तु, अभी आपके हाथ में क्या है, कलम है, कॉपी है, वो भी वस्तु हो सकती है। अब जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं वो पंखा भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान आप कहां बैठे हैं, आपके घर में बैठे हैं, कहां बैठे हैं, आपके घर में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हो वह कमरा, स्थान, प्राणी यहां तो कौन सा भी प्राणी हो सकता है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर कौन सा भी प्राणी हो सकता है, और भाव कौन सा भी भाव, बुढ़ापे का भाव, मित्रता का भाव, हंसने का भाव, रोने का भाव, कौन सा भी भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को, उनके उन सब के जो नाम रहते हैं, जो नाम रहता है, उस नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। यह है संज्ञा की परिभाषा। यह संज्ञा की क्या है, परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आपके लिए नया नहीं है दोस्तों, पिछले साल में भी आपने ये देखा है, पिछली कक्षा में भी आपने ये देखा है, जो संज्ञा के हमारे मुख्य तीन भेद है। देखिए संज्ञा के तीन भेद, देखिए संज्ञा के तीन भेद है। पहला भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। उसमें से जो पहला भेद है, उस पहले भेद के बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। कौन सा पहला भेद है, हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, बराबर है। देखिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, यहां पर कौन सा भी प्राणी हो सकता है, एक ही प्राणी, एक ही वस्तु, कौन सी भी वस्तु, कौन सी भी वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही वस्तु या एक ही स्थान, एक ही स्थान, फॉर एग्जाम्पल हमारी रोटरी स्कूल, समझो कि रोटरी स्कूल, या सिर्फ आपका घर, सिर्फ आपका घर का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैंने दिया है, देखो सिमी नाचती है, सिमी क्या करती है, नाचती है, यहां पर सिमी कौन है, एक लड़की है, सिमी कौन है, यहां पर एक लड़की है, मतलब यहां पर लड़की का नाम है, लेकिन वो कितने लड़की का नाम है, सिर्फ एक ही लड़की का नाम है। देखिए परिभाषा में देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, वस्तु या व्यक्ति, स्थान का जो नाम होता है उसे व्यक्ति, नाम का जो बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिमी नाचती है, कौन नाचती है, सिमी नाचती है, अंजलि गाती है, कौन गाती है, अंजलि गाती है। देखिए फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
रेखा कलम से लिखती है। अब कलम यह जो शब्द है, ये जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द से क्या हमें सिर्फ एक ही कलम का बोध हो रहा है? नहीं, कलम तो बहुत सारे हैं, बराबर है। यहां पर कलम से हमें समूह का बोध हो रहा है, इसलिए कलम यह जो संज्ञा शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। लेकिन रेखा, क्या रेखा बहुत सारी रेखा है? नहीं है। रेखा इस संज्ञा शब्द से हमें समूह का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। रेखा इस संज्ञा शब्द से हमें सिर्फ एक ही लड़की का बोध हो रहा है। हाँ, कितनी लड़की का बोध हो रहा है? सिर्फ एक ही लड़की का बोध हो रहा है। इसलिए रेखा यह संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, बराबर है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सिमी नाचती है, सिमी को हो गई व्यक्ति हो गई। हाँ, ये भी उदाहरण आ सकता है, गंगा पवित्र नदी है। गंगा कैसी नदी है? पवित्र नदी है। अब गंगा यह किसका नाम है? नदी का नाम है। गंगा यह किसका नाम है? नदी का नाम है। इसलिए गंगा यह कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार एक ही है, बराबर है। कुतुब मीनार कितना है? एक ही है। तो यह भी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिल्ली भी हमारी एक ही है, तो यह भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ रहा है दोस्तों? या किसी विशेष या किसी एक ही व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का, स्थान का जो नाम रहता है, उसका खुद का अपना नाम जो रहता है, उसे क्या कहते हैं? उस संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम दूसरा भेद देखते हैं। हमारा दूसरा भेद कौन सा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। ये देखो, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा में आया दोस्तों, देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की सभी वस्तुएं, देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की, एक प्रकार कहां है यहां पर, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कहां है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही, सिर्फ एक प्राणी। देखिए, यहां पर प्रकार के बारे में कहा गया है। प्रकार मतलब उसमें अनेक आ सकते हैं, ना ही सिर्फ एक, उस प्रकार के, उस टाइप के। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की सभी वस्तुएं, जो मैंने अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप कलम से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं। तो कलम इस संज्ञा शब्द से हमें क्या बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। उस कलम हमें क्या बता रहा है? प्रकार बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रकार बता रहा है, टाइप बता रहा है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की सभी वस्तुएं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर उदाहरण में लिया मैं दिखा दो, देखो इसमें उदाहरण क्या है? क्या आप फल खाएंगे? क्या आप फल खाएंगे? उसमें संज्ञा शब्द कौन सा आया है? फल। कौन सा आया है?
जातिवाचक संज्ञा में आता है, हाँ? जातिवाचक संज्ञा का जो भेद है उसमें आता है फल, हाँ? क्या आप फल खाएंगे? इसके और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। गाय मैदान पर घास खा रही है, गाय मैदान पर घास खा रही है। गाय शब्द से अभी क्या बोल रहा है? किसी एक गाय के बारे में हम सोच सकते हैं? नहीं, कौन सी भी गाय हो सकती है। वहां पर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा इस सारे शब्द से हमें ना ही किसी एक घोड़े के बारे में बोध हो रहा है, बल्कि वहां पर कौन सा भी घोड़ा हो सकता है। जाति, जातिवाचक संज्ञा हम देख रहे हैं। हम दूसरा भेद देख रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा, हाँ? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की सभी वस्तुएं, अगर गाय है तो सभी गाय, अगर घोड़ा है तो सभी घोड़े, अगर फल है तो सभी फल, यही बोध हो रहा है हमें। आया ना? हाँ, देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की सभी वस्तुएं या प्राणियों प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिया है यहां पर, क्या आप फल खाएंगे? ओके, अब संज्ञा का जो अंतिम भेद है कौन सा है? अंतिम भेद कौन सा है? तीसरा भेद कौन सा है? यस, बराबर है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? देखिए, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, बुढ़ापा बहुत दुखदायी है। बुढ़ापा, फिर से देखो एक बार परिभाषा इसकी क्या है, भाववाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के, वस्तु मतलब प्राणी, यहां पर सिर्फ वस्तु आ सकती है, हाँ? प्राणी भी आ सकते हैं, व्यक्ति भी आ सकता है। किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिया है, बुढ़ापा बहुत दुखदायी है। बुढ़ापा यह क्या है? व्यक्ति की एक अवस्था है। बुढ़ापा यह क्या है? व्यक्ति की एक अवस्था है, बराबर है। तो यहां पर बुढ़ापे का भाव दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो बुढ़ापा यह जो संज्ञा शब्द है, और कौन सा संज्ञा शब्द होगा, कौन से भेद में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। कहां पर आएगा? भाववाचक में आएगा। मित्रता, मित्रता का भाव यहां दिखाई देता है, शत्रुता का भाव दिखाई देता है, प्रेम का भाव दिखाई देता है, हाँ? दिखाई देता है या नहीं? अरे हाँ, या ना? बचपन, बचपन का भाव भी दिखाई देता है। जैसे कि बचपन का समय सबसे अच्छा होता है, बचपन यह भी एक भाव है। श्री कृष्ण और सुदामा में अच्छी मित्रता थी, मित्रता कौन से भेद में आएगा? मित्रता यह संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा का जो भेद है उसमें आएगा। देखिए तीसरा भेद फिर से, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, बुढ़ापा बहुत दुखदायी है। ओके, फिर से एक बार देखिए संज्ञा शब्द, संज्ञा की परिभाषा क्या है? देखिए संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसके बाद अभी आपको कुछ कार्य करना है, वह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की ये जो परिभाषा